कैसे मुझे तुम मिल गए। लीजिए एक शादी जो बिना किसी ड्रामे के संपन्न हो गई। भाई निमृत की शादी आखिरकार हो ही गई, हालांकि बड़ी कोशिश की इन लोगों ने, यानी कि विराट और अमृता ने, कि किसी तरह ये शादी ना हो। लेकिन चिंता मत कीजिए, जस्ट बिकॉज शादी में ड्रामा नहीं हुआ डजंट मीन इसके बाद नहीं होगा। जी हाँ, असली ड्रामा तो अब ये दोनों अब जाकर शुरू करेंगे। शुरू से झूठ बोल रहा है ये इंसान। दोस्त सारा तू मेरा, दोस्त के नाम पे धब्बा है तू। क्या कर रहा है? रुक जा, रुक बोल रहा, मजाक समझ रखा इसने। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये भाई बहन का है रब की रुबाई। लेकिन विराट और निमृत के भाई बहन के रिश्ते की नैया को राजीव ने डुबाई। हुआ यूं कि राजीव के झांसे में आकर निमृत ने आखिर शादी कर ही ली, और भाई विराट भी तब पहुंचा जब शादी की शहनाई बच चुकी थी। जीव की सच्चाई आफ्टर ऑल मेरे सामने आ गई। अमृता ने फिर से प्रूफ कर दिया कि वो गलत है, लेकिन फिर भी मैं भाग के शादी कर लेती हूँ राजीव से कि ठीक है, अगर तुम्हारा तारा के साथ कुछ है तो वो मुझे प्रॉमिस करता है कि वो अब नहीं जाएगा तारा के पास, और उसका कुछ नहीं, वो मुझसे प्यार करता है, तो फिर मैं कन्विंस होकर शादी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं शादी करूँ। तो ये निमिका वो है स्टेप है कि वो भाग के शादी कर लेती है। बात दरअसल ये है कि अमृता तो बहुत पहले से बता रही थी कि राजीव धोखेबाज है, लेकिन विराट एंड परिवार ये समझना ही नहीं चाहता था। लेकिन अब विराट के चेहरे से राजीव के झूठ का नकाब उतर चुका है, यानी कि उसे भी अब सच का पता चल गया है कि राजीव उसकी बहन को झांसा दे रहा है। उसने बिजनेस में एक ऐसा बॉन्ड बनाया था जिसमें ये था कि अगर कोई नुकसान होगा तो उसके जिम्मेदार निमृत और उसके घर वाले होंगे। और राजीव की धोखेबाजी यही नहीं खत्म होती, बल्कि उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड तारा भी है। अब तो निमृत भी राजीव के प्यार की बूटी पी चुकी है, ऐसे में वो सच देखना ही नहीं चाहती। टेंशन का माहौल है, क्योंकि मैं जानती हूँ राजीव की सच्चाई परिवार वालों को नहीं पता थी, लेकिन पता चल भी जाती है तो मैं कुछ सिचुएशन बदल नहीं पाती, क्योंकि निमृत को लगता है उसे राजीव से शादी करनी चाहिए, तो वही सीक्वेंस चल रहा है कि निमृत की शादी होगी नहीं होगी, क्या होगा। कुछ पेपर्स हैं जिनके बारे में मैंने पहले ही इन लोगों को वार्न किया था, लेकिन किसी ने मेरी बात सुनी नहीं, और अब ये फंस गए हैं तो साइन कर दिया उन्होंने पेपर, तो अब निकलेंगे कैसे, क्योंकि इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। अब सबको रिग्रेट हो रहा है कि मेरी बात नहीं सुनी। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। विराट बाबू, जब अमृता आप सबको सच से रूबरू करवा रही थी तब तो आप सभी ने नजरअंदाज कर दिया। खैर कोई बात नहीं, अमृता कुछ न कुछ जुगाड़ करके राजीव नाम के कांटे को जरूर जड़ से उखाड़ फेंकेगी। मुंबई से पूजा तिवारी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।